one. Yeah,
लो थोड़ा हमारी तरफ कैमरा करो, हमें कुछ बोल दो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 सितंबर हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आप लोग अपना जो है आशीर्वाद जो है बनाएं और माँ विंध्यवासिनी से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो है देश में आई हुई कोरोना जैसी महामारी से जल्द हम सभी को छुटकारा मिल जाए और आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोग अपना प्यार, साथ, सपोर्ट, समर्थन, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रहें। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिखाओ, ये जो है आप सभी जो है आज हमारा जन्मदिन है, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए हैं और हमारी जगत जननी आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी है। माँ विंध्यवासिनी की कोशिश में चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन और अभिनंदन करते हैं। नीचे चलो, नीचे सभी के साथ सपोर्ट, समर्थन और आशीर्वाद से जो है बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप लोग अपना इसी तरह से साथ सपोर्ट बनाए रहिए। आप सभी का हृदय की नंद गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदि शक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करते हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं जो आप लोगों ने हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है अपना कीमती समय दिए और आज जन्मदिन के हमारे शुभ अवसर पर कल से ही जो है फोन के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन तरीकों से कल से ही जो है लगातार जो है जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी जा रही थी और आज
हमारे हजारों भाइयों ने जो है बहुत ही अधिक जो है मात्रा में आप लोगों ने फोन कॉल्स के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं उन सभी तमाम लोगों का जो है दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी लोग सकुशल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम।